आज ही के दिन 1610 में पेरिस की संसद ने लुईस 13वें को फ्रांस का राजा नियुक्त किया। आज ही के दिन 1811 में पराग्वे ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1817 में आज ही के दिन समाज सुधारक देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1905 में अमेरिका के नवादा में लास वेगास की स्थापना हुई। आज ही के दिन 1907 में शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले सुखदेव थापर का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1918 में अमेरिका में पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। 1940 में आज ही के दिन मैक और डिक मैकडोनाल्ड नाम के दो भाइयों ने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में मैकडोनाल्ड रेस्तरां की शुरुआत की। 1948 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया ने एसेक्स के खिलाफ क्रिकेट मैच में एक दिन में 721 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। आज ही के दिन 1958 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक तृतीय रॉकेट प्रक्षेपित किया। 1958 में ही आज ही के दिन भारत में उपहार कर की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1967 में बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ। 1988 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपने 115,000 सैनिकों को वापस बुलाना शुरू किया। 1993 में आज ही के दिन फील्ड मार्शल के एम करियप्पा का निधन हुआ। 1993 में ही आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 2004 में आज ही के दिन अर्सेनाल फुटबॉल क्लब इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक भी मैच हारे बिना चैंपियन बनने वाली पहली टीम बनी। और आज ही के दिन 2010 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का निधन हुआ।